बुलबुल बुलबुल इंडियन हॉरर फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई और इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है अन्विता दत्त ने और इस फिल्म में मेन रोल प्ले किया है अविनाश तिवारी, तृप्ति दिमरी, पॉली दाम और राहुल बॉस ने। जैसा आप इस फिल्म के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि 18वीं सदी का दौर है और बुलबुल की शादी बचपन में ही एक बड़ी उम्र के आदमी से करवा दी जाती है, लेकिन बुलबुल और उसकी फैमिली के लिए सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब एक चुड़ैल बुलबुल के हस्बैंड को मार देती है और फिर आगे बुलबुल की लाइफ में जो कुछ होता है वो सब तो आप इस फिल्म में ही देख सकेंगे। लेकिन चले हम बात कर लेते हैं कि इस फिल्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन चलें आज हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं बुरी चीजों की। पहली बात तो ये कि अगर आप ये फिल्म ये सोचकर देखेंगे कि ये एक हॉरर फिल्म है और आपको ये फिल्म देखकर कोई डर फील होगा या फिर आपको इस फिल्म के अंदर एक अच्छी मिस्ट्री और सस्पेंस देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इस फिल्म को देखते हुए आपको किसी भी किस्म का सस्पेंस, टेंशन, इंटेंसिटी और थ्रिल फील नहीं होगा। बस अगर आपको ये फिल्म देखते हुए कुछ फील होगा तो वो है वो गुस्सा जो आपको ये सोचकर आ रहा होगा कि कैसे कोई 2020 में भी इतनी स्टूपिड और इतने घिसे पिटे कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म बना सकता है। मतलब ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको जो कुछ देखने को मिलेगा वो हमने अपने बचपन में सोनी टीवी और जी टीवी के हॉरर शोज में देखा हुआ है। और ये फिल्म इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि आप स्टार्ट के 15 मिनट में ही ये इजीली गैस कर लेंगे कि चुड़ैल कौन है और ये फिल्म आगे किस डायरेक्शन में जाएगी और किस तरह से ये फिल्म एंड हो जाएगी। ये सब कुछ आप इजीली इस फिल्म के अंदर गैस कर लेंगे। और हद तो ये है कि इस फिल्म के क्रिएटर्स को ये तक ठीक से नहीं पता कि एक वैम्पायर और एक चुड़ैल में फर्क क्या होता है। और ये फिल्म देखते हुए मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं वाकई एक 18वीं सदी के दौर में बनी हुई फिल्म देख रहा हूं, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। और जो इस फिल्म के कैरेक्टर्स हैं वो भी काफी टिपिकल से हैं, उनमें भी किसी भी तरह की कोई डेप्थ नहीं है। आपका इस फिल्म के किसी भी कैरेक्टर से किसी भी तरह का कोई इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाएगा। लेकिन जो चीज देखना मुझे इस फिल्म में सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये है कि इस फिल्म में बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें इस फिल्म के क्रिएटर्स ने रेड कलर टोन को बहुत ज्यादा यूज किया है। और ऐसा करके इस फिल्म के क्रिएटर क्या अचीव करना चाह रहे थे ये बिल्कुल ही समझ से बाहर है। इन शॉर्ट इस फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है। ये फिल्म हॉरर के नाम पर बस एक धोखा है। ये एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसको देखते हुए आपको एक पल के लिए भी डर फील नहीं होगा। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो बिल्कुल घिसी पिटी है और जो इस फिल्म के कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही टिपिकल से हैं और जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं वो भी एवरेज हैं और जो इस फिल्म का म्यूजिक है उसमें भी कोई जान नहीं है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये एक कंप्लीटली फ्लॉप फिल्म है। इसीलिए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 5 out of 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि इस फिल्म के ऊपर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।